ठीक खाने के वक्त अगर भिखारी गेट पर आवाज लगा दे तो पति अपने पत्नी की ओर ऐसे देखता है मानो वो भी उसे खाना छीन के भिखारी को दे देगी। ताऊ को कई दिनों से धमकी भरे फोन मिल रहे थे तो उन्होंने इस बारे में पुलिस को बताना ठीक समझा। ताऊ पुलिस से, मुझे फोन पर धमकियां मिल रही है। पुलिस ताऊ से, कौन है जो आपको धमकियां दे रहा है? ताऊ पुलिस से, टेलीफोन, वो बोल रहा है बिल नहीं भरोगे तो काट दूंगा। फकीर, एक रुपया दे दो बाबा, आदमी शर्म नहीं आती? इतने हट्ठे कट्ठे खूबसूरत नौजवान होकर भीख मांगते हो। फकीर, अच्छा फिर अपनी बहन का रिश्ता दे दो। बस स्टॉप पर 10-15 लोग बस का इंतजार कर रहे थे। इतने में एक भिखारी आया और एक एक रुपया मांगकर ऑटो में बैठकर चला गया। भिखारी कार में बैठी सेठानी से, मैडम 10 रुपये दे दो। मैडम ने पैसे दे दिए। भिखारी जाने लगा तभी मैडम बोली, बाबा दुआ तो देते जाओ। भिखारी, BMW में तो बैठी है मोटी, अब क्या रॉकेट में बैठेगी? भिखारी घोंचू से, कुछ खाने को दे दो। घोंचू, टमाटर खाओ। भिखारी, रोटी ही खिला दो। घोंचू, टमाटर खाओ। भिखारी, टमाटर ही दे दो। घोंचू, टमाटर खाओ। घोंचू का दोस्त पोंचू बोला, अरे यह तोतला है, कह रहा है कमा कर खाओ। भिखारी पिंकी से, मैडम 1 रुपया दे दो। पिंकी, शर्म नहीं आती? इतने स्मार्ट, खूबसूरत, हैंडसम जवान लड़के होकर भी भीख मांगते हो। भिखारी खुश होकर, ठीक है तो फिर एक झप्पी ही दे दो। भिखारी, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे पठान, 100 का नोट दिखते हुए बोला, क्या तुम्हारे पास 50 रुपये हैं? भिखारी खुश होकर, जी हाँ पठान, तो पहले वो खर्च कर ले। भिखारी, जनाब मैं कोई मामूली भिखारी नहीं हूँ, मैंने रुपये कमाने के 100 तरीके नामक किताब लिखी है। राहगीर, तो फिर तुम भीख क्यों मांगते हो? भिखारी, क्योंकि उस किताब में बताया गया है सबसे आसान तरीका। प्यारी लड़कियों, अगर आप लोगों के मोबाइल नंबर पर अगर किसी लड़का का फालतू कॉल या मिस कॉल करता है तो उस मोबाइल नंबर को ओलेक्स पर डालकर पोस्ट कर दियो। iPhone 5 केवल 5,000 रुपये में, कसम से जितने कॉल उसके होंगे उससे ज़्यादा उसे आएंगे। अब थैंक्स बोलकर हमें शर्मिंदा मत करना, बस एक कमेंट कर दो, वही काफ़ी है। सनी लियोन साड़ी की दुकान पर, सुनिए कुछ दिखाइए। दुकानदार भौचक्का होकर, मैडम क्या बात करती है, भला आपके होते हम आपको क्या दिखाएं, आप ही कुछ दिखा दीजिए। सनी उसे जोरदार तमाचा मारते हुए, बदतमीज, मुझे एक बढ़िया बिकनी चाहिए। दुकानदार होश में आते हुए, अरे वो अंग्रेज फिल्मों की बिगड़ी हीरोइन काहे गरमाती है, गलती खुद करती है, आंखें हमें दिखाती है, हमारी दुकान पर हमें ही हाथ उठाती है, साड़ी की दुकान पर बिकनी खरीदने आती है। सनी, सॉरी भैया। एक नौजवान लड़के को गर्ल्स हॉस्टल में नौकरी पर रख लिया गया। लगभग 3 महीने बाद लड़के के मोबाइल पर हॉस्टल के मालिक का फोन आया, तुम अब तक अपनी सैलरी लेने क्यों नहीं आए? लड़का, ओह माय गॉड, सैलरी भी मिलेगी? 5 राज्यों में चुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है। उस दिन वहाँ के लड़कों को पता चल गया कि उनके मोहल्ले की कौन कौन सी लड़की 18 साल की हो चुकी है। थर्ड क्लास में मैडम ने पप्पू को बोला, मैडम ABCD लिखो। पप्पू ने लिख दी, AEGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। मैडम ने पढ़ा और हैरानी से बोली, अरे इसमें BFCD कहाँ है? पप्पू मुस्कुराते हुए बोला, मैम मेरे बैग में है, आपको देखनी है तो बता देना। एक लड़की की नई नई शादी हुई। सास, मेरा बेटा लाखों में एक है। लड़की, जी हाँ वो तो मैंने देख लिया। सास, मेरा बेटे रात को खर्राटे नहीं लेता। लड़की, पता नहीं, अभी तो शादी के 3 ही दिन हुए हैं, सोएंगे तो पता चलेगा।
पप्पू, मैं तो अपने सारे दोस्तों को भूल ही गया था, पर एक फिल्म देखी तो सब याद आ गए। बट्टी, कौन सी? पप्पू, कमीने। देवदास की उम्र बीत गई एक पारो को पाने में, वाह 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 वाह। देवदास की उम्र बीत गई एक पारो को पाने में, इतने में तो पूरा घर कॉलेज पढ़ जाता आज के ज़माने में। दिलवाले के रिलीज के दो दिन पहले शाहरुख खान कहता है, भारत में असुनता नहीं है। भारतीय बल्लाज, चाहे तो उनसे बेहतरीन टाइमिंग सीख सकते हैं। अध्यापक ने छात्रों से पूछा, बताओ बच्चों, दिन में तारे किस समय दिखाई देते हैं? एक छात्र ने उत्तर दिया, जब तमाचे पढ़ते हैं। अध्यापक ने बच्चों से कहा, बच्चों 2030 में कयामत आएगी, दुनिया तबाह हो जाएगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा। एक छोटा बच्चा बोला, सर क्या उस दिन हमारे स्कूल की छुट्टी रहेगी? No. अध्यापक ने छात्र से पूछा, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? छात्र ने उत्तर दिया, बेटा मलखान सिंह। अध्यापक, क्या वह तुम्हारे बेटा है? छात्र, नहीं, दादी उन्हें इसी प्रकार कहकर बुलाती है। अध्यापक ने रमेश से कहा, रमेश सोना अधिक कहाँ होता है? रमेश ने कहा, जी जहाँ रातें अधिक लंबी होती है वहीं सोना अधिक होता है। अध्यापक, रामू गंगा नदी कहाँ है? रामू, सर जमीन पर। अध्यापक हंसकर बोले, नक्शे में बताओ कहाँ है। रामू, सर नक्शे में कहाँ हो सकती है, नक्शा तो गल जाएगा ना। टीचर, तुम्हारे घर में सबसे छोटा कौन है? स्टूडेंट, मेरे पापा। टीचर, वो कैसे? स्टूडेंट, वो अभी तक मम्मी के साथ सोते हैं। एक हैंडसम लड़का क्लास में आया और सारी लड़कियां देखते ही दीवानी हो गई। फिर लड़के ने आते ही कुछ कहा तो लड़कियां बेहोश हो गई। सोचो क्या कहा होगा, थोड़ी जगह देना बहन जी, झाड़ू लगाना है। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से, मेरे पास मेरे दोस्त की जैसी कार तो नहीं है, पर मैं तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा के घुमाऊंगा। मेरे पास उसके जैसा घर तो नहीं है, मैं तुम्हें अपने दिल में रखूंगा। मेरे पास मेरे दोस्त की तरह पैसे तो नहीं है, मैं तुम्हें मजदूरी करके खिलाऊंगा। और क्या चाहिए तुम्हें? लड़की, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? चल अपने दोस्त का नंबर दे दे मुझे। एक शादीशुदा आदमी की जिंदगी में आज ही सुनते हो का अर्थ होता है, बिग बॉस चाहते हैं आप कॉन्फ्रेंस रूम में आए। हेट स्टोरी 3 बनाने की क्या जरूरत थी, सावधान इंडिया तो आती है रिश्तों की रासलीला। बंदे की ट्रक का अनुमान सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके पास कितने जीबी का मेमोरी कार्ड है। भारतीय पुरुष एक बात में भिन्न होते हैं कि शादी के बाद उनपे एक खास जिम्मेदारी होती है, कुकर की 3 सीटी के बाद गैस को बंद कर देना है। एक आदमी की शादी को 20 साल हो गए थे, लेकिन उसने आज तक अपनी पत्नी के हाथ से बने खाने की तारीफ नहीं की थी। एक दिन जब वो दफ्तर से घर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक बाबा मिले। बाबा ने उस आदमी को रोका और कुछ खाने को मांगा तो आदमी ने बाबा को खाना खिला दिया। बाबा आदमी से बहुत प्रसन्न हुए तो उन्होंने आदमी से कहा कि अगर उसे कोई समस्या है तो बताओ, हम उसका हल कर देंगे। आदमी बोला, बाबा जी बहुत समय से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन काम में तरक्की नहीं हो रही है। बाबा, बेटा तुमने अपनी बीवी की खाने की तारीफ नहीं की है, अपनी पत्नी की खाने की तारीफ करो, तुम्हें अवश्य तरक्की मिलेगी। आदमी बाबा को धन्यवाद बोलकर चल दिया। घर पहुंचकर उसकी पत्नी ने खाना परोसा, आदमी ने खाना खाया और खाने की जमकर तारीफ की। पत्नी एकदम से उठी और रसोई घर से बेलन लेकर आई और आदमी की पिटाई शुरू कर दी। आदमी, क्या हुआ, मैं तो तुम्हारे खाने की तारीफ कर रहा हूँ। पत्नी, 20 साल हो गए आज तक तो खाने की तारीफ नहीं की, आज जब परोसन खाना देकर गई है तो तुम्हें जिंदगी का मजा आ गया।
ये तो शुक्र मनाओ कि फेसबुक पेट्रोल और डीजल से नहीं चलती, नहीं तो एक दूसरे से यही बात पूछते, अरे भाई तेरे वाली क्या एवरेज दे रही है और आगे से रिप्ले आता है कि नहीं, भाई मेरे वाली तो सर्विस मांग रही है। सी चलो भाग के शादी करते हैं, ही इतने ठंड में रजाई से पैर नहीं निकालो, तू घर से भागने की बात कर रही है। नई नवेली बहू से सास देखना, पकौड़ी एक एक करके ही तलना, वरना कोई कच्ची पक्की रह जाएगी, और भिंडी एक करके धोना, और फिर टेबल पे पोंछ कर एक एक करके काटना, और धनिया की एक पत्ती तोड़ कर धोना। बहू दो चार दिन परेशान रही, फिर पांचवे दिन, माँ जी आप ये सब्जी देखो, तब तक मैं नहा कर आती हूँ। चार घंटे तक बाथरूम में जब बहू नहीं निकली तो सास तुझे नहाने में कितना वक्त लग रहा है। बहू माँ जी आपके बताए अनुसार सर में एक एक बाल में शैम्पू कर रही हूँ, अभी 3 घंटे और लगेंगे, तब तक खाना आप ही देख लो, नहले पे दहला। इंजॉय द विंटर, सुबह सुबह आकर सोए हुए को जगाने के लिए उसकी रजाई खींच लेने में महापाप की श्रेणी में रखा जाएगा। अगर इस समय कोई सुबह सुबह किसी पर ठंडा पानी डाल दे तो वह घटना भी आतंकवादी हमले के अंतर्गत मानी जाएगी। किसी की रजाई खींचना विद्रोह के बराबर माना जाएगा और रजाई में घुसकर ठंडे पैर लगाना छेड़छाड़ का अपराध माना जाएगा। किसी को रेलवे ट्रैक पर लेटा हुआ देखकर अब तो ये भी समझ में नहीं आता कि लड़का सुसाइड कर रहा है या प्रोफाइल पिक के लिए पोज दे रहा है। एक मित्र का 7 दिन में स्टेटस ड्राइविंग, मेरे ख्याल से अब तक पाकिस्तान तो पहुंच ही गया होगा। दूसरा एक मित्र का स्टेटस अर्जेंट कॉल ओनली, मुझे लगता है वो पुलिस एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड में काम करता होगा। तीसरा एक मित्र का 6 महीने में स्टेटस स्लीपिंग, मुझे शक है ये नंबर कुंभकर्ण का तो नहीं। चौथा एक मित्र का लंबे अरसे तक स्टेटस है हैप्पी, लगता है ये बंदा जन्नत में सेटल हो गया है। पाँचवा एक मित्र का हमेशा स्टेटस होता है अवेलेबल, कितना निठल्ला है भाई, कोई काम धंधा क्यों नहीं करता। छठा कई मित्रों के स्टेटस है देयर आई एम यूजिंग व्हाट्सअप, अम्मा मियाँ व्हाट्सअप यूज कर रहे हो तभी तो मेरी व्हाट्सअप लिस्ट में हो। सातवां और सबसे विचित्र कैन नॉट टॉक मी व्हाट्सअप ओनली, ऐसे दोस्तों के लिए एक छोटी सी कहानी। एक लड़का लड़की को पूरे दिन व्हाट्सएप पर चैटिंग करते रहते हैं, फिर उनकी शादी हो गई, आखिर वो रात आ गई जिसका उन्हें इंतजार था। उस रात लड़का लड़की का घूंघट उठाकर बोला, तुम वाकई ही बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें क्या गिफ्ट दूँ। लड़की शर्माते हुए बोली, अगले हफ्ते दम्मू तमी तलते हैं। हो गया कैन नॉट टॉक मी व्हाट्सएप ओनली, अब जा दम्मू तली। युवाओं के लिए एक संदेश, अगर तुम समाज बदलना चाहते हो तो अभी बदल डालो, क्योंकि अगर शादी हो गई तो तुम समाज क्या टीवी का चैनल नहीं बदल पाओगे। एक गरीब आदमी बोला, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। अचानक यमदूत आया और बोला, तुम्हारी जान लेने आया हो। लो अब गरीब आदमी मजाक भी नहीं कर सकता। डॉक्टर तुम्हें क्या बीमारी है। रोगी मुझे खाने के बाद भूख नहीं लगती। शिक्षक बताओ, हवाई जहाज 400 मील प्रति घंटा, रेलगाड़ी 40 मील, बस 50 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चले रही है, तो बताओ मेरी उम्र कितनी है। छात्र उठकर इधर उधर देखा। शिक्षक शाबाश। शिक्षक ने उत्साहित होकर कहा, छात्र श्रीमान आपकी उम्र 42 वर्ष है। शिक्षक बिल्कुल ठीक, लेकिन तुमने कैसे पता लगाया। छात्र श्रीमान मेरा भाई 21 वर्ष का है, जिसे सब लोग आधा पागल कहते हैं। श्रीमान मैंने भैया को देखकर लगाया। जेठानी देखो आया, तुम अपनी तनख्वाह से ज्यादा तो बर्तन तोड़ देती हो। नौकरानी किचन में बहुत भीड़ हो रही है। सेठानी नुकसान तो हमारा हुआ ना,
नौकरानी मालकिन मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, बर्तन कम हो जाएंगे, तनख्वाह आगे निकल जाएगी। फैक्ट्री का मालिक, इस घड़ी को छोड़कर बाकी सभी चीजों का बीमा कर दो। बीमा एजेंट, पर घड़ी क्यों नहीं? मालिक, दफ्तर के क्लर्कों की आंखें हमेशा उसी पर लगी रहती है। एजेंट, पर चोरी हो गई तो? मालिक, नजरों के कारण मुझे चोरी घड़ी होने का कोई डर नहीं, क्या पैसे बर्बाद किया जाए। कबाड़ी की दुकान पर एक संगीतकार ने अपनी वायलिन दिखाते हुए पूछा, क्या दोगे? कबाड़ी, इस टूटे फूटे वायलिन का तो 10 रुपया दूंगा। संगीतकार, बस 10 रुपये? इसे बजाना बंद करने के लिए 50 रुपये तो मेरे पड़ोसी दे रहे थे। अध्यापक, तुम बड़े मूर्ख हो बालक, मैं तुम्हारी उम्र में अच्छी तरह किताब पढ़ लेता था। छात्र, श्रीमान, आपको अच्छा मास्टर मिल गया होगा। डॉक्टर, आपकी परेशानी व बीमारी का कारण मुझे समझ नहीं आ रहा है, असल में समझता हूँ कि यह नशे की वजह से है। मरीज, कोई बात नहीं, जब आपका नशा उतर जाएगा तब मैं आ जाऊंगा। ग्राहक, भाई तुमने दाढ़ी बनाने के साथ मेरी चमड़ी भी छील दी। नाय, चिंता मत कीजिए, मैं आपसे केवल दाढ़ी बनाने के ही पैसे लूंगा। गंजा आदमी, मेरे सिर पर तो यार बहुत कम बाल है, तुम्हें तो मुझसे कम पैसे लेना चाहिए। नाई साहब, मैं आपके बाल काटने के लिए पैसे नहीं लेता, आपके बाल ढूंढने के पैसे लेता हूँ। चिंटू, वह कौन सी शक्ति है जिसने तुम्हें अपनी प्रेमिका से समझौता करने पर विवश किया? मिंटू, जल शक्ति। चिंटू, यार ठीक ठीक बताओ, मजाक मत करो। मिंटू, मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसके आंसू सहन नहीं कर सकता। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगती तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और हाँ, अपने दो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।